तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने सच्ची न्यूज़ चैनल में। इस चैनल पर ओनली सच्ची खबर ही आपको बताई जाएगी और वो भी फुल प्रूफ के साथ। आप लोग को बता दें कि 1.5 करोड़ से ज़्यादा बच्चे, क्लास 12th के 1.5 करोड़ से ज़्यादा बच्चे आज इंतज़ार कर रहे थे कि आज उनके साथ जस्टिस होगा सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग था, यानी सुनवाई थी क्लास 12th बोर्ड एग्ज़ाम कैंसिलेशन को लेकर के। PIL दाखिल किया था एडवोकेट ममता शर्मा मैम ने, ये हम सबको पता है। 10:30 पर आज इसकी हियरिंग थी, लेकिन बताते हुए दुख हो रहा है कि ये हियरिंग आज कैंसिल हो चुकी है, ये हियरिंग आज एडजर्न हो गया है और अगली सुनवाई होगी 31 मई को सुबह 11 AM पर। अब मैं इसका आपको फुल प्रूफ भी दिखा देता हूँ। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण एडवोकेट ममता शर्मा का ट्वीट है, जो आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ये ममता शर्मा जी ने ट्वीट करके सभी बच्चों को जानकारी दी है। आप सभी के मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि भाई ये कैंसिल क्यों हुआ, तो गाइज आप सभी को बता दें कि जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, जो बेंच हैं, जो इस पर सुनवाई करने वाले थे, उन्होंने इस बात को मेंशन किया कि पेटिशनर ने एडवांस कॉपी सर्व नहीं किया है, यानी दिया नहीं है एडवांस कॉपी को CBSE काउंसिल के पास। इसका मतलब कि पेटिशनर ने एक एडवांस कॉपी CBSE को भी देना चाहिए था, क्योंकि वो सेकेंड पार्टी है, तो उनके पास भी एक इन्फॉर्मेशन कॉपी होना चाहिए था ताकि वो भी अपना पक्ष रख सकें, क्योंकि वो पार्ट नहीं मिला है CBSE को, तभी आज सुनवाई नहीं की जा सकती। इसलिए ये सुनवाई आज एडजर्न कर दिया गया है और अब सुनवाई होगा 31 मई को 11 AM पर। तो गाइस लेट्स होप फॉर द बेस्ट, थोड़ा सा इंतज़ार और कर दीजिए। जहां हम लोगों ने इतना इंतज़ार कर लिया है, वहां थोड़ा सा समय और सही। इसका भी प्रत्यक्ष प्रमाण आपको दिखा देते हैं ये न्यूज़ की रिपोर्ट में। आपको बड़ी खबर दे रहे हैं, देखिए CBSE और ICSE की 12वीं की परीक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल गई है। अब इस मामले पर 31 मई को सुनवाई होगी। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को कहा है कि याचिका की कॉपी CBSE के वकील को सौंपे। सबकी बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं, CBSE और ICSE की 12वीं की परीक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई होनी थी उसको टाल दिया है कोर्ट ने और अब इस मामले पर 31 मई को सुनवाई होगी। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को कहा है कि वो अपनी याचिका की कॉपी CBSE के वकील को भी सौंपे। उम्मीद है कि 1.5 करोड़ से ज़्यादा बच्चे, उनके पेरेंट्स, टीचर, सबको न्याय यानी जस्टिस मिले और एक सही फैसला निकल कर सामने आए। गाइज हम आपको इससे जुड़े लगातार अपडेट्स दे रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट्स आने बाकी हैं। प्लीज़ आप सब बने रहिए हमारे साथ में और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।